इटली से आते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोला। पूर्वोत्तर में बीजेपी को मिली जीत पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेघालय में सरकार बनाने के दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने मेघालय में जनादेश का अपमान किया है, सत्ता के लिए भाजपा ने अवसरवादी गठबंधन किया है। आपको बता दें, मेघालय में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली हैं, फिर भी पार्टी ने गठबंधन बनाकर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जबकि 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी कांग्रेस यहां सरकार बनाने में विफल रही है। हालांकि नागालैंड और त्रिपुरा में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार जनादेश का अपमान कर रही है। पहले मणिपुर, फिर गोवा और अब मेघालय में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद भी पार्टी वहां जोड़ तोड़ की राजनीति कर सरकार बनाने जा रही है, यह सरासर गलत है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।